हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके चैनल झारखंड डिफेंस जोन में। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है झारखंड शिक्षक पात्रता जेटेट 2020 को लेकर। और आप सभी को इस वीडियो में फ्रेंड गुड न्यूज़ देने वाले हैं। झारखंड के जितने भी छात्र हैं जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, और आप सभी के लिए एक अखबार के भी माध्यम से अपडेट निकल कर आई है। तो आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। पल पल की अपडेट जेएसएससी जेपीएससी जेटेट से कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक एक बार अवश्य कर दे। तो साथियों, आप सभी के लिए विशेष अपडेट। जी, आप सभी को नोटिस कर दे, यदि आप जेएसएससी जेपीएससी और जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी हमारे फेसबुक पेज को लाइक अवश्य कर दे। जी हाँ, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप अपने फेसबुक आईडी में झारखंड डिफेंस जॉब लेकर सर्च कर सकते हैं और इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। साथ ही आप सभी लाइक और फॉलो कर दे। जैसे ही लाइक फॉलो करेंगे बत्ती नीली हो जाएगी, आप सभी को यहाँ पर जॉब की अपडेट और करंट अफेयर्स झारखंड की कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए आप सभी को अखबार के ऊपर लिए चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप सभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जेटेट में सफल 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार। जी हां, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, और साथ ही बताएंगे जेटेट की ऑनलाइन फॉर्म कब तक आएगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो फ्रेंड आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये एक दिन पहले की है। रांची से वर्ष 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में सफल लगभग 50,000 अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र रिजल्ट जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए मान्य है। रिजल्ट 2017 में जारी किया गया था। रिजल्ट जारी हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए अब तक उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। अभ्यर्थी जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक पात्रता सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में होती है। राज्य में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में पिछली शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2015-16 में हुई थी। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 54,183 पद सृजित है। सृजित पद के विरुद्ध 41,956 शिक्षक कार्यरत है। प्राथमिक विद्यालयों में 12,227 शिक्षक के पद रिक्त हैं। कक्षा 6 से 8 के में कुल 10,663 पद सृजित है। वर्तमान में 9,872 शिक्षक कार्यरत है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 751 पद रिक्त हैं। ऐसे में राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 12,978 पद रिक्त हैं। जी हां फ्रेंड, लगभग राज्य में अच्छे वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। प्राथमिक शिक्षक के बन रही है नियुक्ति नियमावली। जी हां, नई नियमावली आएगी फ्रेंड, इसके बाद शिक्षक की नई भर्ती आने वाली है। तो आप सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, आप सभी छात्र तैयारी में लगे रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड वर्सेस सोनी कुमारी का जो नियोजन नीति मामला कोर्ट में चल रही है, नियोजन नीति आने के बाद नई नियोजन नीति बनेगी। इसके बाद आप सभी का बहाली प्रक्रिया बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आप सभी को जेएसएससी या जेटेट के साइट पे अलग अलग वैकेंसी आने स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड आप सभी देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थियों कर रहे हैं सीधी नियुक्ति की मांग। वर्ष 2016 में परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2012 के आधार पर हुई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2012 की नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी की सीधी नियुक्ति का प्रावधान था, ऐसे में इनकी नियुक्ति भी पुरानी नियमावली के आधार पर की जाए। जी हां फ्रेंड, जो बहुत पुराने छात्र हैं उनके लिए यही मांग है। तो आप सभी छात्र के लिए यही एक अपडेट थी और गुड न्यूज भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।